Hello everyone, you all are most welcome in this program. Actually this is a program which is named by discussion, MCQ and self evaluation program. आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत मुबारक हो आपको गणतंत्र दिवस. और क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? Yes, sir, पहुंच रही है. आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई. और इसमें हम लोग आपको भी सर जी थैंक यू. हम सब लोग बहुत दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं और इसमें हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे. हम जानेंगे सेल्फ इवेल्युएशन प्रोग्राम है, इसमें हम ये समझेंगे कि कितना हम कर पाते. हर व्यक्ति अपने बारे में विचार करेगा कि वो कितने सवाल का जवाब उसको आता है. और आता है तो आप जरूर देंगे, अपना नाम बताएंगे, किस शहर से हैं. और मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ. हर एरिया से हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन जैसे कंप्यूटर से, साइंस से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी जीएस के पार्ट होते, जस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन. तो मैं शुरू करता हूँ, लोग आते रहेंगे. तो आप लोगों का फिर से स्वागत है और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज पुट ऑन योर कैमरा. इसमें बहुत आसानी होगी अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो, क्योंकि ये प्रोग्राम वन वे नहीं होना चाहिए, ये प्रोग्राम टू वे होना चाहिए. तो मैं एक सवाल आपके पास रख रहा हूं कि कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है. मैं आपको इसमें सिर्फ तीन ऑप्शन या दो ऑप्शन दूंगा, आप उसमें से बताएंगे कंप्यूटर की भाषा कौन नहीं है. एक को चुनना है, पास्कल, जावा, मॉडेम, इन तीनों में कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? पास्कल. और कोई ट्राई कीजिए. आदिति तुम कहां से हो? सर ऋषिकेश. ऋषिकेश से. और कोई ट्राई कीजिए. मेरा सवाल है कि कंप्यूटर की भाषा कौन नहीं है, पास्कल, जावा या मॉडेम? सर एक बार रिपीट कीजिए. कंप्यूटर की भाषा नहीं है पास्कल, जावा या मॉडेम? मॉडेम नहीं है. वेरी गुड. किसने जवाब दिया है? क्या नाम है अपना? क्या नाम है? अनिल रावत. अनिल रावत, आप कहां से हैं? सर मैं डिग्री कॉलेज से हूँ, क्या कहते हैं, लखीमपुर खीरी. अरे वाह, बहुत 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 बेहतरीन. आप जिज्ञासु हैं, क्यूरियस हैं नॉलेज को लेकर के, ये बहुत अच्छी बात है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं. इंटरनेट पे प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ऑप्शन सुन लीजिए, कोबोल, बेसिक, जावा, इन तीनों में से कौन सी एक भाषा है जो इंटरनेट में यूज होती है? कोबो. इंग्लिश. जावा. किसने कहा ये जावा कौन है? दीपक. दीपक, बहुत बेहतरीन जवाब है आपका. आप कहां से हैं? सर देहरादून. देहरादून, बहुत बेहतरीन. काफी पूछे गए हैं ये सवाल. और आप नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कंप्यूटर से ही लेता हूं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से काफी क्वेश्चन आते हैं आजकल. कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है, सीपीयू, लॉन या रैम? कौन सा एक सिंगल साइट नेटवर्क है, सीपीयू, एलएएन, आरएएम?
और कोई कौन है ये? आपका नाम क्या है? एलेन। बिल्कुल सही जवाब है। आप अपना नाम बताइए। वेरी गुड जगजीत चंद्र उपाध्याय, बहुत सही जवाब दिया आपने। एलेन का फुल फॉर्म बता सकते हैं? फुल फॉर्म तो नहीं पता सर। क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क। वेरी गुड, किसने कहा ये? प्लीज आंसर बताते समय अपना नाम और शहर का नाम जरूर बताइएगा। लोकल एरिया नेटवर्क, सीपीयू का मतलब आप जानते हैं? कैन एनीवन, कौन बताएगा? शहर का नाम जरूर बताया कीजिए आप। सितारगंज ऋषिकेश से हैं। रैम का फुल फॉर्म कौन बताएगा? क्योंकि तीनों पॉइंट का यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन जी जी रोम। अब बताइए डब्ल्यू एल एल का पूर्ण नाम क्या है? डब्ल्यू एल एल, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, बस दो ऑप्शन दूंगा। वर्किंग लूप लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप। वेस्टर्न नॉर्थन सहारा। डब्ल्यू एल एल का पूर्ण नाम बताना है, फुल फॉर्म। वायरलेस लोकल लूप। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन लखीमपुर खीरी से बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, बहुत बेहतरीन। ये उत्साहवर्धक प्रोग्राम है, काफी मोटिवेटिंग, बहुत बेहतरीन। देखिए छोटे छोटे आंसर कई बार आप गलत करते हैं तो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। जिसको हम छोटा समझते हैं वो छोटा नहीं होता है। सर एक बार बता दीजिए इसका आंसर, WLL का। वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? मैं ऑप्शन देता हूं, 1996 में, 1998 में, 1995 में। इंटरनेट सेवा 1995। किसने कहा 1995? कौन है? 1995 लखीमपुर। बहुत बेहतरीन जवाब है आपका, 1995। एक्सेलेंट, बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है लखीमपुर खीरी से। कैन एनी वन टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, बिल गेट्स या आर टॉमलिंगन, टॉमलिंसन। वेरी गुड, टॉमलिंसन सही है इसका नाम। बिल गेट्स क्यों मशहूर है? बिल गेट्स की कंपनी का नाम पता है आपको? माइक्रोसॉफ्ट। बहुत बेहतरीन, किसने जवाब दिया? लखीमपुर खेरी आदर्श। बहुत बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, सबीर भाटिया, बिल गेट, पॉल एलन। सबीर भाटिया। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट आंसर। किसने दिया जवाब? दीपक ऋषिकेश से। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन जवाब है आपका। और नेक्स्ट आप बताइए, बिट का तात्पर्य किससे है? बिट, ओहो डिस्कनेक्ट हो गया। क्वेश्चन पढ़िए, बिट का तात्पर्य क्या है? बिट का क्या मतलब है? बिट, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आंसर आपको देता हूं। ऑप्शन, बाइनरी कोड, बाइनरी डिजिट, इन दोनों ऑप्शन में से एक चुनिए। और कोई
सही आंसर है बाइनरी डिजिट। अच्छा नेक्स्ट बताइए, फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग, जो कंप्यूटर की एक भाषा है फोर्ट्रॉन, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में या मैथ के क्षेत्र में? तीनों में से एक ऑप्शन चुनना है आपको। शिक्षा के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में। वेरी गुड, किसने जवाब दिया है? अदिति। अदिति कहां से हो? ऋषिकेश से। बहुत बेहतरीन जवाब है। और नेक्स्ट, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। संगणक। बहुत बेहतरीन जवाब, बिना ऑप्शन के जवाब देने वाले की को और ज्यादा शाबाशी है। एक्सेलेंट दीपक, बहुत बेहतरीन जवाब, बहुत अच्छा आप दे रहे हैं जवाब। आप बताइए नेक्स्ट, बिना ऑप्शन के जवाब देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं ऑप्शन दूंगा। किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। 1024 काफी मशहूर है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए एक क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी विदाउट ऑप्शन? सॉफ्टवेयर सर, सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्राम। कौन बोला? प्रोग्राम। नाम बताइए। कंप्यूटर ऑपरेटर। सुनील, सुनील फ्रॉम, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सुनील, बहुत बेहतरीन जवाब है आपका। नेक्स्ट, कंप्यूटर स्मृति जो होती है, मेमोरी का मापन, मेजरमेंट किसमें किया जाता है? बिट में या एम्पियर में? एम्पियर। नो, बिट्स में। सही जवाब है, बिट्स में किया जाता है। बिट्स में, कंप्यूटर की, कंप्यूटर का की यूनिट बिट्स में ही है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा भाषा का आविष्कार किसने किया था? आप बिना ऑप्शन के बता पाएंगे? क्वेश्चन दोबारा पूछ। जावा भाषा का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? जावा भाषा, जावा। जेम्स ग्लोसिंग। जेम्स ग्लोसिंग। जेम्स ग्लोसिंग। और कोई? जेम्स ग्लोसिंग। देखिए मैं ऑप्शन देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट या सन माइक्रो सिस्टम? नो, सन, सन माइक्रो सिस्टम ने। सन माइक्रो सिस्टम इसका सही आंसर है, सन माइक्रो सिस्टम। हाँ चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूं, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी थी? प्रोग्रामिंग के लिए प्रथम भाषा कौन सी थी कंप्यूटर का? कोई बता सकते बिना ऑप्शन के? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग हेतु प्रथम भाषा कौन थी? प्रोग्रामिंग हेतु प्रथम भाषा कौन थी? लैटिन भाषा। बिल्कुल सही जवाब किसने दिया? फोर्ट्रॉन। मुकेश यादव कहाँ से हो? लखीमपुर। लखीमपुर। और दीपक? देहरादून। बहुत बेहतरीन जवाब, बहुत बेहतरीन सवाल था ये। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसे होता है? जी सर, आपको, आप ऐसा करें, बिना ऑप्शन के दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं ऑप्शन दूंगा। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन, बहुत सही उत्तर। आप अपना नाम और शहर का नाम जरूर बताएंगे, बहुत बेहतरीन। अब ऑप्शन की जरूरत ही नहीं बची है इसमें।
भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अम्बेडकर। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ, भाग दो, भाग तीन, भाग चार। भाग तीन किसने कहा? वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, किस सूची का विषय है? मैं ऑप्शन देता हूं आपको, संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची? राज्य सूची। राज्य सूची। समवर्ती किसने कहा? किसने कहा समवर्ती? नाम बताएं। बहुत बेहतरीन जवाब दीपक, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। प्लीज पुट ऑन योर कैमरा नाउ, वी प्रोसीड। कानून के समक्ष समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में। बहुत बेहतरीन जवाब जगदीश, किसने दिया जवाब? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है और छुआछूत का अनुच्छेद 17 में। अच्छा, और कोई बता पाएंगे अनुच्छेद 15 में क्या है? कैन एनी वन टेल मी व्हाट इज इन आर्टिकल 15? रंग रूप लिंग आदि के आधार पर असमान व्यवहार करना। बहुत बेहतरीन, आप अपना नाम भी बता दीजिए, बहुत अच्छा तरीका है आपका। सर मैं एक बात करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे लखीमपुर खीरी से बहुत सारे स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं। हाँ, सबको जोड़िए। जी जी जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जितने भी मेरे स्टूडेंट लखीमपुर खीरी से सुन रहे हैं, जी सर, वो सबके साथ जब भी जवाब देंगे तभी माइक ओपन करेंगे, बाकी ओपन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली जो शोर शराबा हो रहा है। हाँ हाँ, किसी के तरफ से हो रहा है। बहरहाल सर, लखीमपुर खीरी से बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, ऋषिकेश से, देहरादून से, लखीमपुर खीरी से। बहुत सर, मेरा जो सब्जेक्ट है, जी सर, जल्दी, और मेरे सारे छात्र उसमें लगभग आ चुके हैं। अरे वाह, बहुत बेहतरीन जी। और पीएचडी का जो सोशल चेंज एंड प्रॉब्लम ऑफ यूथ रिलेशन है, जी सर, पूरा पेपर है, जी सर, वो बच्चे सफर कर रहे हैं लगभग। नहीं, बहुत सबको यहाँ पहचान रहा हूँ, अगर इस ग्रुप में कोई भी त्रुटि हुई तो समझ लो ठीक नहीं होगा। जवाब देना है, माइक उसी टाइम ओपन करेगा। जी जी, वैसे दोबारा लिंक मैंने तभी भेजूंगा इतना। वैसे सर ऐसा है, बहुत ही बड़ी बात है, लखीमपुर ही बहुत अच्छा कर रहा है, आपके प्रयास से आपकी मेहनत सफल हो रही है, क्योंकि लखीमपुर खीरी से अच्छा जवाब आ रहा है, इसलिए आप संतोषजनक स्थिति में हैं, दिक्कत की बात नहीं है आपके लिए। मेरे निर्देशन की वजह से, जी सर, कई सारे छात्र पुलिस और आर्मी में जा चुके हैं। अरे वाह, और कई सारों को मैंने सुधार के अभी रखा है, और नहीं, बहुत अच्छा, उस प्रयास में चल रहे हैं जी। अभी इसीलिए मैंने उनको जोड़ा कि वो अपनी काबिलियत तो चेक करें यहाँ। बिल्कुल, यहाँ चेक करने का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सारा कंटेंट हमने डाल दिया है यूट्यूब पे, प्रैक्टिस सेट है, कंटेंट है, एक टेक्स्ट वीडियो है समझिए, और उसके बाद अब ये इवेल्युएशन प्रोग्राम यहाँ से वीकली या तीन दिन चार दिन पे हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अपना टेस्ट लेना है, दिस इज सेल्फ इवेल्युएशन प्रोग्राम, कि आप कितने पानी में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, 36वां संविधान संशोधन के तहत किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? बिना ऑप्शन के आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़। छत्तीसवां संविधान संशोधन के तहत
किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 36वां। छत्तीसगढ़। आप 26वां राज्य समझ रहे हैं उसको। 36वां संविधान संशोधन के तहत, 36वां संविधान संशोधन के तहत किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? भारत। चलिए मैं दो ऑप्शन देता हूँ, मध्य प्रदेश अथवा सिक्किम। सही उत्तर है सिक्किम। सही उत्तर है सिक्किम, और बहुत मशहूर है। देखिए हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, आईएएस पीसीएस ग्रुप सी आर्मी पुलिस सब में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही मशहूर है। बिल्कुल। और बताइए आप किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य हैं? राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, वो संविधान संशोधन क्या है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ उसमें। 1935 संविधान संशोधन। वेरी गुड। किसने कहा? 1935 वीरेंद्र। नहीं, 42वां संविधान संशोधन में 1976, इसे छोटा संविधान भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, 1935 में तो संविधान संशोधन आप कैसे करेंगे, आपका तो संविधान बना ही नहीं था, वो तो अंग्रेजों का था। समझ रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश में संविधान की धारणा उत्पन्न हुई? बहुत बेहतरीन जवाब, अमेरिका। बिल्कुल सही, सब लोग जवाब दे रहे हैं। और बहुत बेहतरीन, अमेरिका। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों को कौन देखता है? चुनाव का निपटारा, अगर कोई मामले विवाद हो गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, क्वेश्चन का मतलब यह है, तो उस मामले को कौन? चुनाव आयोग। और कोई प्रयास? चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। बिल्कुल सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को ही अधिकार है, वही न्याय देता है इस मामले में। ऋषिकेश कॉलेज ऋषिकेश बहुत अच्छा कर रहा है, लखीमपुर खीरी ऋषिकेश और देहरादून। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट से माना जाने लगा? आप बताइए, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के तहत माना जाने लगा? मैं ऑप्शन देता हूँ, 1813 अथवा 1833। सही उत्तर है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ, बहुत मशहूर क्वेश्चन है। 1813 सही उत्तर है। चलिए मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, किस चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया? 1833 वायसराय। आप इस क्वेश्चन को सही से समझिए, किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित कर वायसराय कर दिया गया था? ऑप्शन देता हूँ, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1858। नो, अब मुझे बताना पड़ेगा, अब मेरा टाइम है। 1833। लास्ट ऑप्शन 1858। सही उत्तर है 1858। अब मैं बताता हूँ, देखिए जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो विद्रोह होने के फलस्वरूप अंग्रेज डर गए, और विद्रोह होने के बाद देखिए
1857 तक कंपनी का शासन भारत पे चल रहा था। वहाँ वहाँ अंग्रेजी सरकार जो वहाँ संसद थी ब्रिटेन में, उसको भी कोई ना कोई मौका चाहिए था, बहाना चाहिए था कंपनी का सरकार अपने आप में हड़प लेने का। तो वहाँ पे 1858 में यहाँ गवर्नर जनरल को ख़त्म करके वायसराय का मतलब प्रतिनिधि ऑफ सांसद, ठीक है, वहाँ जो पार्लियामेंट का एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया और सरकार जो है ना डायरेक्ट संसद से वहाँ से चल रही थी पार्लियामेंट से, तब जाकर के वायसराय का पद आया। अब तक जो है ना गवर्नर जनरल यानी कंपनी का शासन चल रहा था। हाँ तो माइक बंद कर लिया करो अपना आप लोग। तो 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि कंपनी 1857 तक जब विद्रोह हुआ उस वक्त तक कंपनी का शासन भारत में चल रहा था। एक कंपनी आई थी बिजनेस करने, उसने भारत पे विजय प्राप्त कर ली और उसने शासन किया पूरे भारत पे। ये बात ब्रिटिश सरकार को भी अच्छी नहीं लग रही थी। ब्रिटिश सरकार चाह रहा था कि कैसे मौका प्राप्त करें और हम कंपनी के शासन को हड़प लें, और ब्रिटिश सरकार ने देखा कि यहाँ विद्रोह हो रहा है इनके खिलाफ, तो ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया ये कहने का कि तुमको शासन चलाने नहीं आता है, तुमसे नहीं होगा, हम संसद के प्रतिनिधि भेजेंगे, और कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। तब वायसराय के पद को सृजित किया गया। वो 1858 का समय है, समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, कौन कौन लोग भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में? बिल्कुल, संसद के दोनों सदनों के सदस्य लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाँ सर, जी सर, मैं एक क्वेश्चन इसी में जोड़ना चाहता हूँ अपना। बिल्कुल जोड़िए, और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं या अदर जो भी हैं वो सब के सब जवाब देंगे। जी जी, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत राज्यसभा सदस्य चुनाव के लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं? क्या बात है, बहुत बेहतरीन सवाल, आप लोगों ने सवाल समझा? देखिए संसद में राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, समझ रहे हैं? तो सर का प्रश्न ये है कि क्या वो सब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं अथवा नहीं, ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, सारे स्मार्ट बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत बेहतरीन जवाब है, बिल्कुल सही। जी जी, क्यों नहीं लेते हैं इसका उत्तर बताना है सर। तो बोल रहा हूँ वही, माइक ओपन करे बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट नहीं देता है, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन जवाब। आप अनिल सर, आप कैमरा ऑन कर लिया कीजिए जब आप बोलते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल आपसे करता हूँ, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। बहुत बेहतरीन जवाब, बिल्कुल सही जवाब है उपराष्ट्रपति, काफी आता है। देखिए ये छोटे सवाल नहीं होते हैं, एक नंबर और दो नंबर से, मैं आपको ये बताऊं एग्जाम में एक नंबर दो नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है कई बार। जी जी, अब मैं इसी में एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। हाँ सर, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है तो उसको सैलरी कौन से पद की मिलती है? हाँ बताइए, जो उपराष्ट्रपति उसको सैलरी कितनी? हाँ सर आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। उसको कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जो सभापति होता है उसको सैलरी
मतलब सभापति की मिलती है या उपराष्ट्रपति की मिलती है या दोनों की मिलती है? आप एक्सप्लेन कर दीजिए सर, सभापति बोल रहे हैं ये लोग, दोनों की मिलती है। आप बता रहे हैं, आप ही बता दीजिए, सही है, सही है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ। भारतीय संविधान जो लागू हुआ है उसका सबसे बड़ा फायदा इस सवाल को लेकर के, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? निःशुल्क शिक्षा जो 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है? इस सवाल का जवाब दीजिए। किसने कहा सबसे पहले? ये कौन है, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? नंदिता, कहाँ से बोल रहे हो? सर अनुच्छेद 41 पीजी कॉलेज डोई वाला। डोई वाला, वेरी गुड, बहुत सही जवाब है आपका। अनुच्छेद 21 के क के तहत या ए के तहत जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस सर दिल्ली में, सर लंदन में, लंदन में। किसने कहा ये लंदन? आदर्श लखीमपुर खीरी। आदर्श, बहुत बेहतरीन जवाब, उत्तरी लंदन, बिल्कुल सही है। ईशा, ईशा डोईवाला से है, बहुत सही जवाब, लंदन। राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत होता है? बहुत मशहूर सवाल है, बताइए। राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शन देता हूं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। बिल्कुल सही जवाब, अनुच्छेद 3, बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 3 के तहत ही। बिल्कुल सही, आयुषी डबराल और नवीन ने दोनों ने एक साथ जवाब दिया है, और आप अदिति ने भी जवाब दिया है, पहले नवीन ने दिया है। चलिए ठीक है, बहुत आप सब लोगों ने पहले ही दिया है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए के जो राज्यों के नाम, चूंकि इसमें थोड़ा और, जब आप बोल रहे हैं पहले दिया है तो इसमें हम एक और सवाल जोड़ना चाह रहे हैं, राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है ये कौन करता है? ये कौन करता है? वेरी गुड, किसने जवाब दिया? संसद। किसने जवाब दिया? नंदिता। भारत का संविधान अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत की संसद को राज्य की स्थापना, परिवर्तन राज्यों, बिल्कुल सही, सीमा के नामों पर परिवर्तन करने की शक्ति देता है। बिल्कुल सही जवाब है, संसद के हाथ में वो शक्ति है। अब चलिए इस पे, चूंकि डिस्कशन एज वेल एज एमसीक्यू सेल्फ इवेल्युएशन प्रोग्राम है, तो सो आई वुड लाइक टू एड सम मोर फैक्ट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आप हमें ये बताइए कि जब नया राज्य का निर्माण होता है तो सामान्य बहुमत से होता है या विशेष बहुमत से होता है? नवीन, बहुत सही जवाब, नवीन बहुत सही जवाब, वेरी गुड, सामान्य बहुमत से होता है। अदिति, अदिति का भी जवाब बहुत बेहतरीन है। देखिए अब मैं, जो लोग आंसर देंगे वो अपना कैमरा ऑन करके आंसर देंगे ताकि पता चले कि उसने जवाब दिया है। सामाजिक सुरक्षा का वर्णन किस सूची में है? संघ सूची, राज सूची या समवर्ती सूची?
समवर्ती सूची, बिल्कुल सही जवाब। निदा और नवीन दोनों ने सही जवाब दिया है, बहुत सही है, वेरी गुड, नाम आना चाहिए। चलिए बहुत बेहतरीन सवाल है। लास्ट अदिति, अदिति कहाँ से हो? हेलो, लास्ट गान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? जापान। क्या बात है, किसने कहा कौन है वो? सर भारत, जापान। हाँ भारत, जापान किसने कहा है? हमने। क्या नाम है? जापान है, जापान सही उत्तर है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कि कौन थे वो जिसने जवाब दिया था पहले? नंदिता, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है, डोईवाला का नाम काफी रोशन कर रहे हो तुम। सर जी, हम भी डोईवाला से ही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है? कैन एनीवन टेल? अनुच्छेद का नाम बताना है। सबने माइक ओपन किया हुआ है, आप लोग जब बोलते हैं तभी माइक ओपन कीजिए। बताइए किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है? 368 के तहत संविधान के किस? ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन देता हूँ, चलिए, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 राइट आंसर है। किसने जवाब दिया है? अपना नाम बताओ, नाम बताओ, शहर का नाम बताओ। नवीन, बिल्कुल, शहर का नाम भी बताओ। सितारगंज, डोईवाला और सितारगंज वाले भी बता रहे हैं जवाब। चलिए नेक्स्ट, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया? सेंसरशिप समाचार पत्रों पे किसने लागू किया था? ऑप्शन दो में, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली। बहुत बेहतरीन जवाब सबने दिया है, बहुत सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, नहीं आपने बोला है तो अपना नाम भी बताइए और अपने शहर का नाम बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिए आप। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु बना कमीशन कौन है? साइमन कमीशन, हंटर आयोग। किसने कहा, नाम बताओ। सितारगंज, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रहा है सितारगंज का। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक। बहुत सही जवाब, कौन है? ग्राम सेवक निशा। निशा कहाँ से? मनीषा। मनीषा कहाँ से हो? डोईवाला से। डोईवाला, बहुत बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के? ऑप्शन 86वां। बिल्कुल सही जवाब नंदिता, बहुत सही परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। हमें कोई ये बताए कि 86वां संशोधन में क्या हुआ था? 86 कौन है, नाम बताओ। महिमा गुनसोला। महिमा गुनसोला, बहुत राइट है। आप जब प्रैक्टिस करते हैं, आप सबको मैं बता रहा हूं, तो एक पक्ष को लेके प्रैक्टिस नहीं कीजिए आंख मूंद करके,
ये क्वेश्चन पहले गुजर चुका है, उससे एसोसिएटेड ये था आर्टिकल 21A में, जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार था, वो 86वां संशोधन। और महिमा गुनसोला, क्या आप बता सकती हैं ये किस वर्ष हुआ था? सर 2002 में हुआ था। क्या बात है, एक्सेलेंट, वेरी स्मार्ट आंसर, बहुत सही जवाब है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। महिमा गुनसोला, आप कहाँ से हैं, थोड़ा बता दीजिए। डोईवाला कॉलेज की विद्यार्थी भी काफी जवाब दे रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। साइंस से भी पूछ लीजिए, हम साइंस एसएसटी में थोड़े बहुत ही आते हैं हमें। नहीं अभी सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी, आप घबराइए नहीं। जो सर बोल रहे वही बोलेंगे। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस। अब जिसने जिसने बोला है अपना नाम और शहर का नाम बता दीजिए। नाम नवीन। वेरी गुड नवीन। सितारगंज। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बहुत मशहूर सवाल है ये, आयरलैंड। किसने जवाब दिया? आयरलैंड। किसने जवाब दिया आयरलैंड के बारे में? आयुषी, बहुत बेहतरीन जवाब। पंचायती राज किस सूची का विषय है? जगदीश, सही आंसर है, राज्य सूची। सुधार करने का मौका मिला है। देखिए जब आप बिना ऑप्शन के आंसर देते हैं तो आप बहुत बड़ा चैलेंज लेते हैं, और आप ऑप्शन में तो आप आंसर कर ही देंगे, जाहिर सी बात है। तो आप कोशिश, जब आप प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, तो आप कोशिश इस बात की करें कि कोई व्यक्ति अगर आपसे ये सवाल करे और ऑप्शन नहीं दे तो आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप आंसर कर पाते तो समझिए आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, आप में से कोई बताइए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? आप में से किसी ने बताया था धर्म, मूल, वंश या सोला दो। बिल्कुल सही जवाब है। कोशिश कर रहे हैं, कहीं इंटरनेट पे सर्च वर्च तो नहीं मार रहे हैं? एकदम सही जवाब है। नहीं करते थे। बिल्कुल सही जवाब है आप सबका। और जल्दी में बताइए अनुच्छेद 18 में कौन बताएगा, 5 सेकंड के अंदर में बताइए अनुच्छेद 18 में क्या है। क्या बात है, नाम बताइए जल्दी अपना। क्या नाम है? बहुत बेहतरीन जवाब। अब बताइए, अब हम चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री वगैरह से लेते हैं, फिर साइंस पे आएंगे। सर एक क्वेश्चन। जी एक क्वेश्चन मेरा है बच्चों के सामने। अमार सोनार बांग्ला किसकी रचना है और किस देश का ये राष्ट्रगान है? अरे वाह, बहुत बेहतरीन सवाल है। अरे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसोसिएटेड है सर, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए वेरी गुड। बंगाल विभाजन के समय 1905 में लिखा था। बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। किसने जवाब दिया? अपना अपना नाम बताइए। डोईवाला, सितारगंज और लखीमपुर की। लखीमपुर खीरी का बहुत नाम चल रहा है भाई, काफी। देसी केस भी अच्छा कर रहा है, इसमें कोई डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य को बताइए। कोशिश की।
हाँ नवीन बताओ चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? सरस्वती। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, मैं ऑप्शन देता हूँ, कल्पनाथ, स्थूल भद्र, भद्र बाहु। भद्र बाहु ने बिल्कुल सही। कौन है सब? भद्र बाहु। बेहतरीन जवाब। कहाँ से बोल रहे हो धीरेन्द्र? पुरोला। पुरोला, वेरी गुड धीरेन्द्र, बहुत सही जवाब है पुरोला से। और आप सब लोग जवाब दे रहे हैं डोईवाला, देहरादून और लखीमपुर खीरी के। प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई? प्रथम, फर्स्ट, किस ईस्वी को? ऑप्शन सर। ऑप्शन। 483 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व, 283 ईस्वी पूर्व। बिल्कुल सही, सही जवाब है नंदिता। 483 बिल्कुल सही। गुंजन बिल्कुल सही बोल रहे हो गुंजन, काफी अच्छा जवाब है। 483। चलिए आपको मैं ये बताऊं कि चंद्रगुप्त मौर्य पे थोड़ा डिस्कशन हमने नहीं किया, उसमें भूल गए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा देने का क्या तात्पर्य है? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का व्यक्ति था पहले? सनातनी। बिल्कुल। और उसने जैन धर्म को स्वीकार करके साउथ इंडिया चला गया था। आप हमें ये बताइए, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया तो बौद्ध धर्म किसने स्वीकार किया था? इसी इसी वंश का कोई राजा था। अशोक ने सर। वेरी गुड, अशोक ने जी बिल्कुल सही बोल रहे। ये दोनों सनातन धर्म के थे और एक ने जैन और एक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। राष्ट्रकूट युद्ध के पश्चात। बिल्कुल, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने। हाँ बिल्कुल सही। कौन बोल रहे हैं? आदर्श लखीमपुर खीरी। आदर्श, बहुत सही जवाब है बिल्कुल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का ऑप्शन देता हूँ, दंती दुर्ग, सीमुक, विजयालय। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब है दंती दुर्ग। ऋषिकेश बहुत अच्छा कर रहा है। तुम अपना नाम भी बताओ। अदिति ऋषिकेश से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। चलिए तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध का राजा कौन था? तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध का राजा बताइए कौन था? थर्ड वाले में अशोक। बिल्कुल सही जवाब। कौन है? धीरेन्द्र चौहान पुरोला से। पुरोला से बहुत बेहतरीन जवाब धीरेन्द्र, अशोक ने। और तब इसी में आप हमें बता दीजिए, अगला सवाल भी मैं आपको करूंगा, किस व्यक्ति को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? क्या? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। वेरी गुड, सरदार पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। पुरुष्णी नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पुरुष्णी नदी के तट पर बहुत मशहूर युद्ध है, मैं नाम लेता हूँ, बक्सर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, दशराज युद्ध। दशराज किसने कहा? सितारगंज केजी कॉलेज ऋषिकेश, बहुत सही जवाब है दशराज। कैन एनीवन टेल मी, इसी से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, पुरुष्णी नदी का अभी नाम क्या है आज के डेट में? पुरुष्णी, अभी पुरुष्णी नदी को क्या कहा जाता है आज वर्तमान में? बताएं? रावी। रावी बिल्कुल सही जवाब। किसने कहा? लखीमपुर खीरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत को पराजित करने का पहला प्रयास दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास। अलाउद्दीन खिलजी। बहुत सही जवाब। नाम बताइए और शहर का नाम।
लखीमपुर। अंकोरवट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवट महाराष्ट्र। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ईरान, चीन, मलेशिया, कंबोडिया। कंबोडिया। कौन बोला? डोईवाला से। बहुत सही जवाब है नंदिता। और कौन कौन जवाब दिया है? पीजी कॉलेज ऋषिकेश का भी अच्छा प्रतिनिधित्व है। तीर्थंकर का संबंध किस धर्म से है? तीर्थंकर का संबंध जैन धर्म। इज द राइट आंसर। किसने कहा जैन धर्म? जैन धर्म इज द राइट आंसर। किसने कहा? जैन धर्म। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन थे? पुराणों का अध्ययन करने वाला बिना ऑप्शन के बताएंगे? ऑप्शन दो। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? बहुत बेहतरीन जवाब नंदिता। तुम क्या बोल रही हो? बिल्कुल सही बोल रहे हो नंदिता। अल बेरूनी, उसी ने किताबुल हिंद लिखी। और पुराणों का पहला अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। और मैं आपको ये बताऊं, ये अल बेरूनी वो शख्स है जिसने सबसे पहली बार भारत को अच्छा दर्शाया था इतिहास में, और भारत के बारे में अच्छा लिखा था। ये पहला विदेशी व्यक्ति है अल बेरूनी, जो भारत में अच्छे शब्द, अच्छा इतिहास लिखा था भारत के बारे में वैज्ञानिक तरीके से, वरना सारे बायस्ड थे। तो सबसे पहला व्यक्ति जो भारत के इतिहास को अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, उसका नाम क्या था? अल बेरूनी। और उसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद, का मतलब होता है भारत की किताब। इसका मतलब होता है भारत, भारत की किताब, ए बुक ऑफ इंडिया। अब चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक बात मैं पूछ देता हूं, अल बेरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी। किसने? मैगलगंज लखीमपुर। बहुत सही बात है, बहुत सही, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की बात आ गई तो मैं ये भी पूछूंगा आपसे, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने ही किया था, हाँ या ना? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1000। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपना नाम बता, नाम बता दीजिए। कुमार। शहर का? हाँ, शहर का नाम भी अंकिता। ऋषिकेश। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? चार। वेदांगों की संख्या है छः। छः है सही उत्तर। कौन बताएगा वेदांग? हाँ ऋषिकेश से। नाम बता दो अपना। विदिशा। बहुत सही जवाब है आपका, विदिशा। ऋषिकेश, विदिशा ये भी बता दो, ये वेदांग क्या होते हैं? ये छह हैं, ये क्या करते हैं वेदांग? बहुत बेहतरीन विदिशा। किस क्लास में हो तुम? बहुत बे, साइंस वाले इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं, बोल रहे साइंस वाले जवाब नहीं देते हैं। ऐसा किसने कहा, साइंस के लिए आग्रह किया था? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन है, लौह युगीन है, या कांस्य युगीन है? कांस्य युगीन बिल्कुल सही उत्तर है। ऋषिकेश से बहुत अच्छा जवाब आया। चार मीनार को किसने निर्मित करवाया था? चार मीनार अकबर तो वहां पहुंचा ही नहीं था, हैदराबाद में है भाई चार मीनार।
साउथ में। ऑप्शन देता हूँ, शाहजहां, कुली कुतुब शाह। सही उत्तर है कुली कुतुब शाह। कोली कुली 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 बिल्कुल सही जवाब है। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु बताइए जल्दी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? बिल्कुल सही जवाब नंदिता, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। लाल किले को निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण शाहजहां, बिल्कुल सही जवाब है। किसने बताया? वेरी गुड। ऋषिकेश का बहुत अच्छा चल रहा है, ऋषिकेश भी। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे? गुरुमुखी गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे बताइए? वेरी गुड वेरी गुड, लखीमपुर, बहुत सही जवाब। चलिए, गौतम बुद्ध ने किस भाषा, गौतम बुद्ध अंगद देव सही जवाब है। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? क्या बोल रहे हैं? पाली भाषा। पाली भाषा बिल्कुल सही जवाब है। कौन है, अपना नाम बताइए और शहर का नाम। पाली। बहुत सही सर। तो आप ये बताइए, जैन धर्म किस भाषा में अपना उपदेश दे रहे थे? जैन धर्म के प्रवर्तक सर तुर्की भाषा। तुर्की यहाँ कहा थी, प्राकृत भाषा। चलिए बताइए, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। सर पृथ्वीराज चौहान तो बहुत दूर है सर। हिंदू आखिरी जो पूरे देश का मतलब पूरे हिंदुस्तान का शासक था वो हिंदुओं में पृथ्वीराज चौहान ही हुआ था। उसके बाद पूरे संपूर्ण भारत का कोई शासक नहीं हो पाया था हिंदू। हेमचंद्र विक्रमादित्य। बिल्कुल सही जवाब। किसने जवाब दिया है? बहुत बेहतरीन जवाब है प्राची, दिल्ली हेमचंद विक्रमादित्य सही उत्तर है। और अभी बात कर रहे थे, क्या करे, महमूद गजनवी के साथ किसने लड़ा था, किसकी बात आपने बताया था अंतिम, वो पृथ्वीराज चौहान को बता रहे थे। महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था? मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा था तराइन का युद्ध सर, मोहम्मद गौरी। हाँ, मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा था। पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था मोहम्मद गौरी ने बता दीजिए? 1100 नहीं, 1100 करीब सर, 1100 करीब से नहीं चलेगा, कोई और कोशिश कीजिए। 1192 किसने कहा? 1192 सही उत्तर है। 1992 में हराया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 323। गुंजन तुमने क्या कहा है, 356 या 26? बिल्कुल सही जवाब है गुंजन, 326 ईस्वी पूर्व में किया था। एसडीएम पीजी कॉलेज से हैं आप? अच्छा, प्रथम बार जजिया कर किसने लगाया था? प्रथम बार जजिया कर किसने लगाया था? इल्तुतमिश ने या मोहम्मद बिन कासिम ने? बिल्कुल सही जवाब है। अपना नाम और शहर का नाम बोलते जाइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए, बहुत, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर बताएं।
भारत बांग्लादेश या भारत भूटान? इंडिया बांग्लादेश। बहुत सही जवाब। क्या नाम है आपका? एडम एडम ब्रिज किन के मध्य स्थित है, किन दो दो से देशों के बीच? आदम का पुल। सर हाँ मैं तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन में हूँ थोड़ा। श्रीलंका भारत भारत और श्रीलंका बिल्कुल सही जवाब है आपका। हाँ हाँ अनिल सर एसएमबीजे कॉलेज सर जी मैं क्वेश्चन अपने बच्चों के सामने रखना चाहता हूँ। हाँ रखिए। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे जो है साइंस ग्रुप के भी हैं और हिस्ट्री के भी हैं और तरह तरह के हैं, तो यहाँ एक क्वेश्चन मैं रखना चाहता हूँ ये कि वो कौन सा सर है जिसमें जैसे जगिया सर था तो हिंदू धर्म को त्यागने और मुस्लिम धर्म को अपनाने के पीछे लगा हुआ था, ठीक है ना? और इसी तो जगियातर बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे शायद एक लाइनर क्वेश्चन पढ़ लिए जगियातर और ये सारा, पर जगियातर था क्या वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक और टैक्स हमारे यहाँ अंग्रेज लाए थे, उसमें महिलाओं के स्तन को काटने का जो प्रावधान किया था, क्या उस के बारे में आप बता सकते हैं? हाँ बताइए उस कर के बारे में। एक धार्मिक कर नहीं पर एक धार्मिक पर है, ठीक है, पर अंग्रेजों ने एक टैक्स लगाया था यहाँ पर अपने पूरे बदन को बोलते चलने को लेकर के, तो बहुत सारे महिलाओं ने उसको स्तन काटना शुरू कर दिया था। ब्रेस्ट टैक्स सर, ब्रेस्ट टैक्स। ब्रेस्ट टैक्स बोल रहे हैं आदर्श। ब्रेस्ट टैक्स आदर्श गुरु नानक देव डिग्री कॉलेज लखीमपुर खीरी मगलगंज। चलो ठीक है। क्या इसको सुनने से सभी को नॉलेज में आया ये? हाँ समझ रहे हैं बच्चे, सुन रहे हैं आप लोग? नहीं सर जी। चलो नेक्स्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ जी सर। एक्चुअली क्या है कि जातिवाद इतनी ज्यादा थी कि निम्न जातियों की औरतों को नेकेड रहने के लिए कहा गया था, और जो इस परमिशन को लेना चाहती थी उसके लिए ब्रेस्ट टैक्स लगता था। समझ रहे हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम अलकनंदा या कावेरी? क्वेश्चन कावेरी। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है कावेरी, पीजी कॉलेज ऋषिकेश। ऋषिकेश बहुत अच्छा जवाब आप दे रहे हैं। और हमें बताइए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी? वर्ल्ड में कि इंडिया में? वर्ल्ड में, वर्ल्ड में। इक्वाडोर या एकांका गुआ? इक्वाडोर या एकांका गुआ, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। किसने जवाब दिया है? दो व्यक्तियों ने जवाब। ठीक है बहुत बेहतरीन। और दुनिया में क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बेहतरीन। लखीमपुर खीरी। बताइए सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? सूर्य और पृथ्वी, बुध और सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से ग्रह हैं? सूर्य के बाद कौन कौन है देख ध्यान दीजिए। बुध शुक्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत सही जवाब है। भूटान की मुद्रा का नाम बताइए। भूटान,
टका तो बांग्लादेश की है। भूटान की मुद्रा का नाम नगुलट्रम। नगुलट्रम बहुत सही जवाब है, नगुलट्रम है। और बताइए भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसने जवाब दिया? बिल्कुल सही, 2002 बिल्कुल सही। बताइए सूर्य का की सतह का तापमान कितना होता है? सर क्या? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सतह पे जो ए पेरिफेरी होता है उस पे कितना टेम्परेचर होता है? देखिए ऑन एन एवरेज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है सूर्य की सतह पे, 6000। एक्चुअली ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको ये बताऊं, और इसमें इसमें ऑप्शन है 6000, 7000, 2000, 8000, समझा? पेंसिलिन की खोज किसने की? साइंस से सवाल है, पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही उत्तर है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सितारगंज ऋषिकेश। विक्रम साराभाई स्पेस, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद। अहमदाबाद में दूसरा स्पेस सेंटर है, तिरुवनंतपुरम में है। बिल्कुल सही जवाब। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन, फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है? फंजाई का, स्टडी ऑफ फंजाई। बिल्कुल, किसने जवाब दिया? क्या क्या बात है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का, सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत सही जवाब है, न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स। बहुत सही जवाब है, न्यूमिस्मैटिक्स। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में। क्या बोले? बिल्कुल सही जवाब है, कैरलस लिनियस। कौन है? मनुष्य, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 96%। ब्लड प्रेशर कितना होता है? ब्लड प्रेशर 120/80। प्राची बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 120/80। 120 पहले आता है और 80 बाद में आता है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, इसलिए 120/80। हाँ, एक साइंस से क्वेश्चन हमारा है, पूछिए पूछिए पूछिए। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर किसका अध्ययन करता है? हाँ, वर्मी कल्चर का बता दीजिए, वर्मी कल्चर क्या है? वॉर्म्स की स्टडी, वॉर्म्स की स्टडी, स्टडी ऑफ वॉर्म्स। चलिए बता दीजिए एपी कल्चर क्या है? एपी कल्चर क्या है? एपी कल्चर हाँ, निदा, सितारगंज। चलिए एपी कल्चर से जुड़ा हुआ एक सवाल है, शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? शहद के अंदर
ग्लूकोज सुक्रोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज सही आंसर है, बहुत सही आंसर है। पांच मिनट और हम क्वेश्चन लेंगे। बताइए भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डेयरी निगम 1965। नंदिता कोशिश अच्छी है लेकिन जवाब गलत है। सर इंग्लिश में बोल। भारतीय डेयरी निगम ऑप्शन देता हूँ 1965 या 1970। 1970 सही आंसर है। 1970। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति ब्लू बिल्कुल सही जवाब है, एकदम बिल्कुल सही जवाब। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड 79%। आप तो गलत बोल रहे हैं, 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है। हाँ 0.03% इज द राइट आंसर। 0.03% राइट आंसर है और ऑप्शन 03 ही आता है, बिल्कुल सही जवाब है। नाम आप जो है ना, नाम बताइए अपना। सर पीजी कॉलेज। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंडाशयी ग्रंथि कौन है? इंडोक्राइनल ग्लैंड कौन है? हड्डी की बात नहीं हो रही है, कान की। कान पीयूष पीयूष ग्रंथि पिटी ग्लैंड। अच्छा ये बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? सर मास्टर ऑफ ग्लैंड्स भी कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब किसने दिया? मानव निर्मित पत्थरा का नाम क्या है? मानव निर्मित प्रथम उपग्रह। आर्यभट्ट। अब मैं ऑप्शन देता हूं आपको, रोहिणी अप्सरा स्पुतनिक आर्यभट्ट। स्पुतनिक वन राइट आंसर है, बिल्कुल सही। किसने जवाब दिया? वाला। बिल्कुल सही जवाब। रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन सा विटामिन है? सर विटामिन के। बिल्कुल सही। किसने कहा विटामिन के? क्या नाम है आपका और किस शहर से हैं? विटामिन के। विटामिन के इज द राइट आंसर। एक्यूपंक्चर जो एक मेथडोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी है, किस देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? उसमें सुई चुभा करके हेल्थ क्योर किया जाता है, वो किस देश में? एक्यूपंक्चर सबसे अधिक प्रचलित किस देश में है? एक्यूपंक्चर बताइए। भारत चीन अमेरिका? अमेरिका चीन। चीन इज द राइट आंसर। आपको मैं ये बताऊं? बिल्कुल सही। चलिए अब दो सवाल और लेता हूं मैं। एड्स में डी का क्या तात्पर्य है? एड्स AIDS। वेरी गुड, बहुत सही। ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, सितारगंज, पुरोला और ये सब, एक और नाम मैं भूल रहा हूँ, लखीमपुर खी। आप लोगों का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही करते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि काफी टाइम हो गया, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव भी हो जाएगा। मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा हर चार पांच दिन पे, क्योंकि ये प्रोग्राम
इवैल्यूएशन का प्रोग्राम आपका बहुत जरूरी है, बिना इस प्रोग्राम के आप पढ़ते तो बहुत है मुझे पता है, लेकिन सफलता जो नहीं आती उसकी एक वजह यह है आप बियॉन्ड एवरीथिंग के जो भी चीजें हैं आप बहुत सारे एक्सक्यूजे हैं उसकी बात नहीं करेंगे, हम पहले अपनी मजबूती की बात करते हैं। तो हमारे अंदर जो कमियां हैं उसकी सबसे बड़ी कमी जो हम स्टूडेंट में देखते हैं वो इवैल्यूएशन प्रोग्राम से जुड़े हुए नहीं है, वो अपना कभी भी मूल्यांकन नहीं करते, उनको सिर्फ और सिर्फ याद करने से मतलब है, और सबसे बड़ी चीज कोई भी पॉइंट को एसोसिएट करके आप नहीं देखते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है, जाहिर सी बात है आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, प्रदर्शन अच्छा है तभी आप सामने आए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस प्रोग्राम से जुड़ते इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि हम जब उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम क्यों जुड़े, लोगों की सोच ये है, तो कम से कम सुनने से बहुत फायदा होता है। और मैं आपको ये कहूंगा कि वन लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एक सेकेंड। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से? विटामिन डी। फैट से, वसा से, वसा से। फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी, सितारगंज, बहुत सही जवाब, फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो बहरहाल ऐसा है कि ये प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा, आप लोगों ने काफी, मैं बहुत खुशी हुई कि आप सब लोगों ने बहुत ही एंथुसियास्टिक वे में इसमें पार्टिसिपेट किया, और मैं आपको बता दूं कि सारे प्रैक्टिस सेट हमने बना दिए हैं, वीडियो के फॉर्म में भी, वेबसाइट पे भी, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब चीज अवेलेबल है, हम जो पढ़ाते हैं क्या कह रहे के जो आपको कहीं पे, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सारे प्रोग्राम कर दिए, अगर कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाना चाहता है और घर में तैयारी करना चाहता है सारी चीजें अवेलेबल कर दी है हमने, सारे सेट बना दिए हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछिए, हिस्ट्री के सेट है, पॉलिटिकल साइंस के हैं, ज्योग्राफी के हैं, साइंस के हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि हमने जो सेट तैयार किया है सारा अलग अलग है, एक टेक्स्ट बुक वाली वीडियो है, एक टेस्ट सीरीज वाली है, एक प्रैक्टिस सेट वाली है, तीन है, जो मैं अभी प्रोग्राम कर रहा हूं वो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, उसमें भी आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो एक तो यह है कि टेक्स्ट बुक वीडियो होता है जिसमें आपको पढ़ाता है कोई व्यक्ति, दूसरा क्या होता है डिस्कशन वाली वीडियो होता है, एक टेस्ट सीरीज वाली वीडियो होती है, तीन तरह की वीडियो, एक प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो होती है, तो तीनों अलग अलग चीजें और तीनों पे आपका प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कितने अच्छे कोचिंग में और कहां कहां जा रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, दुनिया में जितने महान लोग हैं, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम या इस तरह के बहुत सारे जितने भी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब रूम में ही पढ़ के कामयाब हुए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। हाँ सर, आप कौन से कॉलेज से हैं? पीजी कॉलेज जोईवाला से हैं हम, पर ये मेरा काम किसी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए है, मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को श्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया में पूरे राष्ट्र के, हमारे प्रोग्राम से पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ आज नहीं जुड़े हैं बहुत सारे विद्यार्थी पटना वगैरह के, चूंकि 26 जनवरी भी था, तो बहुत सारे यूपी से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, पटना से, दिल्ली से बच्चे जुड़ते हैं, पंजाब से। हमारे कॉलेज से तो कोई टीचर ज्वाइन ही नहीं हुए, तो उनको कैसे पता चलेगा कि इस कॉलेज के बच्चे भी प्रोग्रेस कर रहे हैं अच्छी? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट अपना इवेल्युएशन, सेल्फ इवेल्युएशन खुद करेंगे, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, ठीक है, आपके लिए हम है ना, ये वीडियो आपकी, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, आप उसको दिखा सकते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस देखो, हमारा भी नाम, जी चैनल का नाम मेरा मेरे नाम के आगे लिखा हुआ है, कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल लिख लीजिए,
ठीक है, उस चैनल पे आप जाइए, सारी चीजें अवेलेबल है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग फिर हमें एक हफ्ते के अंदर में, विद इन ए वीक हम फिर एक प्रोग्राम करेंगे, और फिर आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस तरह जुड़ते रहें, ये प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। ठीक है नवीन, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, मैं बंद करता हूँ। थैंक यू, गुड बाय सर। गुड बाय।